रेडियो को तो हम काफी टाइम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यार क्या आपको पता है कि रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? अगर नहीं तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आज वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना रेडियो की, अब यार रेडियो को तो आप भी जानते हैं कि जब ये हमारे पास इतना ताम जाम नहीं था, जब इतने ऑप्शंस नहीं थे, तभी से यार हमारे पास जो रेडियो है वो काम करता हुआ आ रहा है। और यार उस टाइम पे रेडियो बेसिकली एक मैं अगर आपसे बोलूँगा तो एक मैजिकल इक्विपमेंट था, जो कि यार हमारा बेसिक हमारी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी न्यूज़ को सुनने की, सॉन्ग्स को सुनने की, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को सुनने की जिससे यार हमें एंटरटेनमेंट हो, वो सारी चीज़ों को यार हमारी फुलफिल कर देता है वही रेडियो। अब यार रेडियो को आप ज़रा सोच के देखिए कि रेडियो को हम काफ़ी टाइम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और यार रेडियो बेसिकली हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी डिवाइस रही है जिसको यार हमने काफ़ी टाइम पहले से यूज़ किया है और यूज़ करके यार इसके अंदर काफ़ी गाने भी सुने हैं, काफ़ी न्यूज़ भी सुनी, और एक नॉर्मल यूज़र एक अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ आज के टाइम की, तो यार आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं सामने। उसमें यार मैं आपसे बात करता हूँ न्यूज़ सुनने की तो आपके पास है LCD, अगर मैं आपसे बात करता हूँ साउंड सुनने की तो हाई क्वालिटी के स्पीकर्स, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी भी चीज़ को देखने की तो यार उसके अंदर हमारे पास लैपटॉप या PC का ऑप्शन निकल के आ जाता है। अब यार मैं आपसे बात करता हूँ ना इस चीज़ की, तो रेडियो टेलीस्कोप को बेसिकली हम लेते हैं इसी चीज़ को फोकस में रखने के लिए। इसका मतलब ये कि यार अगर कोई वेव्स आसमान में आ रही हैं या आसमान से जा रही हैं, तो यार उसके ऊपर हमारी जो नज़र है वो बेसिकली एकदम स्टक करके हमें रखनी पड़ती है, ताकि यार हमें मालूम चल सके कि भाई ऊपर स्पेस में क्या सीन चल रहा है। अब यार इसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल की, तो यार ये जो रेडियो टेलीस्कोप है यार ये काम इस तरीके से करता है कि यार ये जो है ये करता है रिसीव रेडियो वेव्स को, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसीज को। अब यार होता है इसके अंदर कुछ यूँ है कि यार आप बैठे हैं नीचे ज़मीन पर, और यार आप ऊपर स्पेस के अंदर अगर कुछ चीज़ तलाश करना चाह रहे हैं तो आपने इस टेलीस्कोप को लिया, और अगर सपोज करो कि यार सेटेलाइट अगर कोई सिग्नल को एमिट करती है, वो रेडियो सिग्नल है या वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है उनको एमिट करती है, अब यार ये क्या करेगा, ये इसके पास में लगे हैं मल्टीपल एंटीनाज जिसके अंदर से कुछ पैराबोलिक एंटीनाज भी हैं। अब यार ये क्या करेगा, ये करेगा कि यार वो जो सिग्नल सैटेलाइट के पास में से आया है, जो एक रेडियो सिग्नल है, एक रेडियो वेव है, उसको यार करेगा रिसीव, और रिसीव करने के बाद में उसका जो फोकस है वो पड़ेगा इसके सेंटर पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं BSNL, और यार उसके ऊपर इसका फोकस सेंटर पॉइंट पे जो बेसिकली फोकस है वो पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो बेसिकली आपको जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, और आप इजीली पता लगा पाएंगे कि भाई ऊपर स्पेस में क्या चीज़ चल रही है। अब यार सैटेलाइट टीवीज की तो मैं आपसे पहले वीडियो में एक बात कर चुका हूँ, लेकिन सैटेलाइट टीवी का और इसका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इस चीज़ की, तो यार इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ किसी भी चीज़ को ढूंढने की, वो भी स्पेस में, तो यार उसको ज़्यादा ढूंढना कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। और यार रेडियो फ्रिक्वेंसीज को तो हम बेसिकली हर नॉर्मल स्टफ़ के अंदर काम में लेते हैं। अगर यार मैं आपसे बात करता हूँ ब्लूटूथ की, वाईफाई की, या फिर मैं अगर आपसे बात करता हूँ माइक्रोवेव ओवन्स की, तो यार इन सभी के अंदर हम बेसिकली सैटेलाइट्स के अंदर कम्युनिकेशन के लिए भी, और भी काफ़ी यार इसकी एप्लीकेशन है रेडियो वेव्स की, जिसको यार हम काम में लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो कि यार वेव्स काफ़ी अच्छी भी होती है और काफ़ी हद तक काफ़ी बेसिकली जो एफिशिएंट रिजल्ट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देती है काफ़ी हद तक। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इस रेडियो टेलीस्कोप की, तो रेडियो टेलीस्कोप बेसिकली वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है उनको रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद में इसके पास लगे होते हैं मल्टीपल एंटीनाज। अब यार सपोज करो कि वो वेव्स आपके पास नहीं आ रही, अब यार वो वेव्स आपके पास नहीं आ रही, तो अगर कहीं आसमान पे से कहीं ऊपर से गुजर भी रही है तो भी यार आप उसको इजीली रिसीव कर सकते हैं, उसको इजीली इंटरसेप्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरफ से ये जो वेव्स हैं ये निकली हैं। इसी तरीके से आप स्पेस में क्या हो रहा है, क्या सीन स्पेस में चल रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं है, क्या चीज़ बेसिकली क्या कंप्लीट सीन चल रहा है ऊपर हमारे पास स्पेस में, वो सारा कंप्लीट देख पाते हैं नीचे ज़मीन पर होते हुए। तो यार बेसिकली इसी तरीके से जो टेलीस्कोप है ये सारे जो बेसिकली रेडियो टेलीस्कोप है ये काम करते हैं, और यार काफ़ी हद तक हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यार उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये रेडियो टेलीस्कोप के बारे में जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।